तो नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ यानी द सीक्रेट गोस्ट के साथ। तो आज तारीख है 9 नवंबर 2000, जो कि है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। तो आज के दिन हुआ था इस उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। तो आज हम जाएंगे योगेश के कॉलेज, जो कि है जी यूनिवर्सिटी। तो आज का ब्लॉग आपको मेरे साथ, मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो योगेश अभी नीचे रेडी वगैरह हो रहा है कॉलेज जाने के लिए, तो मैं आ चुका हूँ छत पर और यहाँ से मैं करूँगा ब्लॉग स्टार्ट। सो अभी आज हमारा प्लान है तो योगेश का कॉलेज जाने का, तो देखते हैं योगेश कॉलेज में क्या होता है। तो देख सकते हो आज हम थोड़ा, मैं भी छत पे आया हूँ तो पीछे कपड़े सूख रहे हैं अभी तो, और आज मौसम भी बड़ा सुहाना है। तो देखते हैं आज के कॉलेज में जाके, थोड़ा बहुत शायद स्टॉल वगैरह लग रही है, कुछ है वहाँ फेस्ट वगैरह, सो वहाँ जाके मज़े करते हैं और देखता हूँ क्या होता है। चले हम नीचे, और ये देखो यहाँ पे हम कपड़े फैला रखे हैं बहुत गंदगी से, जो मैं बिल्कुल साइड कर दूँगा, थोड़े बहुत तो कर ही सकता हूँ। बट अब यहाँ पे ये है हमारा रूम। सो ये देख सकते हो यहाँ पे योगेश अभी अपने जूते संवारते हुए, मतलब साफ़ वगैरह कर रहे हैं। और ये हमारी बेड लगे हुए हैं, दो या तीन बेड कह सकते हो। और ये हमारा छोटा सा किचन, और इधर है योगेश तो अपना कर रहा है अपना। फाइनली दोस्तों, मैं हो चुका हूँ रेडी कॉलेज के लिए, और अभी सुबह के बज चुके हैं, अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं कॉलेज की ओर निकलूँगा। तो आज हमारे कॉलेज में स्टॉल लग रहे हैं क्योंकि दिवाली आ चुकी है और 12 तारीख को है दिवाली। तो आज 9 नवंबर भी है तो उत्तराखंड दिवस आज हम मनाएंगे भी, उसके बाद वहाँ पर स्टॉल लगेंगे दिवाली के लिए, फिर उसके बाद छुट्टियाँ पड़ेंगी क्योंकि दिवाली को छुट्टियाँ पड़ जाती है। तो बच्चे काफ़ी दूर दूर से भी आए रहते हैं कॉलेज, तो वो भी उन्हें भी घर जाना होता है, तो इसलिए अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। बाकी कॉलेज तो सुबह स्टार्ट हो जाता है, आज थोड़ा लेट जा रहा हूँ मैं क्योंकि सुबह लेट हो चुकी थी, कुछ काम था तो उसकी वजह से, तो अभी जाऊँगा। बाकी दोस्त लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज में, तो दिखाता हूँ कॉलेज में क्या क्या सीन है, क्या क्या हो रहा है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपको रास्ते में। देख सकते हो यहाँ पे हमारी स्कूटी निकल चुकी है, तो हम जा रहे हैं अब योगेश के कॉलेज जी यूनिवर्सिटी। तो देख सकते हो योगेश अब हमारा ड्राइवर है। सो लेट्स गो योगेश, चलते हैं। सो अब निकल चुका है हम अपनी गली से बाहर की ओर निकलते हुए, तो देखते हैं क्या होता है आज। सो ये देख सकते हो हमारी गली थोड़ी संकरी सी है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा पर थोड़ी सी संकरी है। और ये हमारी गली के बाहर का एक छोटा सा, गली का एक सड़क कह सकते हो। तो उसके बाद सामने देख सकते हो गली के बाहर ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है, कम ही लोग हैं। और टाइम तो अभी हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, 9-10 बज चुके हैं, बट लगता नहीं कि कोई लोग, मतलब इतने भीड़ है। और ये मेन रोड नेशनल हाईवे है ये। सो देख सकते हो यहाँ पे दिवाली की तैयारी चल रही है नेशनल हाईवे पे, आप देखो। तो देख सकते हो दिवाली नज़दीक है, तो दिवाली की तैयारी भी जोर शोरों से चल रही है। देख सकते हो मार्केट में टेंट वगैरह और ये धनतेरस की तैयारी का सामान जोरों शोरों से लग रहे हैं। और देख सकते हो यहाँ अभी शायद आज तो ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही है सड़कों पे, नहीं तो रोज़ सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं योगेश के कॉलेज के जो सड़क, कॉलेज की ओर जो सड़क जाती है उसके नज़दीक। तो यहाँ पे योगेश के कॉलेज का बोर्ड देख सकते हो, इसमें लिखा है जी यूनिवर्सिटी, और इसके राइट साइड में है योगेश के कॉलेज की जाने वाली सड़क। और यहाँ पे हम चलते हैं नीचे की ओर, ये हमारे योगेश के दोस्त वगैरह, और चलो तो डांस करने जा रहे हो क्या? चलो लेट्स गो। तो हम पहुँच चुके हैं योगेश के कॉलेज के नज़दीक, देख सकते हैं यहाँ पे जी यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी लिख रहा होगा आपको सामने ये। तो यहाँ पे ये है योगेश सर का कॉलेज, देख सकते हो ये है जी हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी, और ये है योगेश सर का कॉलेज। तो गार्ड अंकल जी नमस्ते अंकल। तो यहाँ पे ये कॉलेज सर के, योगेश के कॉलेज के अंदर घुस चुके हैं हम, तो देख सकते हो कितना शानदार कॉलेज है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कॉलेज में, तो अभी हम जा रहे हैं ऋषि भाई के केबिन में, तो दिखाता हूँ मैं ऋषि भाई का केबिन कैसा है। और कॉलेज तो हम पहुंच चुके हैं, बाकी कुछ बच्चे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, मतलब बाकी सारे सेमिनार हॉल में, तो दिखाऊंगा आप लोगों को।
देखिए हम जा रहे हैं ऋषि भाई के कैबिन में। और भाई मैं गिर गया था तो देख तक यो भाई, भाई पहली बार आ रहा हूँ मैं ऐसी वाली कैबिन में। अच्छा यहाँ मशीनें लगी हुई है भाई, ऋषि भाई ऐसे में काम करते हैं शायद। ये देखिए सामने पर देख सकते हैं, ये पूरे सामान देख सकते हैं, बल्ब इलेक्ट्रॉनिक का सामान। चल फिर फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने डिपार्टमेंट के बाहर। ये है हमारा डिपार्टमेंट फैकल्टी ब्लॉक 1। तो अभी ऊपर सेमिनार हॉल में जाएंगे, बाकी मेरे दोस्त लोग क्योंकि यहाँ पर खड़े हुए हैं सुबह सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं सुबह 7 बजे से। अरे भाई 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 कैसे ठीक हैं? और अलीशान भाई लंबा ब्लॉग पूरा लंबा लूँगा मैं और क्या है अभी अभी स्टार्टिंग हो रहा स्टार्टिंग हो। तुम ये क्या करके ले गए? बटर है ऊपर, ये तो राहुल का है यार, बोले तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा। भाई घुसते हैं अब सेमिनार हॉल में, जाते हैं सारे स्टूडेंट आ चुके हैं हम मेरे दोस्त लोग, तो चलते हैं अब सेमिनार हॉल में और वहाँ देखते हैं क्या क्या चल रहा है। ये है लाइब्रेरी, उधर है ना लाइब्रेरी, उधर है उस वाली, वही तो ये अच्छा उस वाली ब्लॉक में लेके आया था मैं। तो यहाँ ऊपर में भाई सेमिनार हॉल, यहाँ ऊपर वहाँ जाएंगे, वहाँ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ से लगने वाली है स्टॉल स्टार्ट, और ये देखिए ये लग रहे हैं अभी यहाँ पर, ये दिवाली के अवसर पे अभी इन पिर्चियों में कुछ डाल रखा है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कहीं पर चाय का भी कुछ, कहीं पर कुछ कॉफ़ी, कहीं पर पकौड़े, इतने सारे स्टूडेंट आ रखे हैं आप देख सकते हैं, सब ने अपना अपना स्टॉल लगा रखा है। ये देखिए जी 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 ओके। और ये देखिए यहाँ पर बेच रही है पानी पूरी, BCA पानी पूरी वाला, और ये देखिए और पानी पूरी देख सकते हैं बिल्कुल। बाकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन रहे हैं मोमो चाउमीन और वगैरह वगैरह जो भी है इसमें लिख रखा है प्राइस वाइज। और यहाँ पर कुछ म्यूजिक लगा के यहाँ पर पेंटिंग का डाल रहे हैं, क्या चल रहा है? और आकाश भाई यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पर फूल बेच रहे हैं, फूल के गमले ये देख सकते हैं आप लोग। और इस साइड पे वेलकम का अभी BC सर आएंगे यहाँ पर वेलकम करेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं टोपी टूपी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर डोली है माता जी की, बाकी यहाँ पर कपड़े भी हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है, अभी धीरे धीरे स्टूडेंट आते रहेंगे और ज़्यादा भीड़ लगती रहेगी। ये देखिए यहाँ पर लग रखा है आज पूरा मेला, मतलब स्टूडेंट ही लगा रहे अपनी ओर से, बाकी बाहर से कोई नहीं बुला रखा, मतलब अपनी ओर से लग रहा है मेला। तो अभी अंदर चल रहा है उत्तराखंड स्थापना दिवस, अंदर अभी फ़ोटो वोटो शूट हो रहा है। तो ये देखिए मेरे दोस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई साहब। पे सारे परफॉर्मेंस एंड होने के बाद अब फोटो शूट जा रही है। यहाँ पे देखो कुछ फोटोग्राफर, सो हमारा ब्लॉगर भी अभी फोटोग्राफर बन चुका है, सो मेरी फोटो खींच रहा है तो मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ी। हो चुका है प्रोग्राम ख़त्म और यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे की साइड हो रहा है फोटो शूट, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर चल रहा है फोटो शूट, यहाँ पर लगा रखा है उत्तराखंड स्थापना दिवस, तो इसी के अवसर पर यहाँ पर अभी फ़ोटो शूट चल रहा है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग सामने पर दिख रहा है उत्तराखंड स्थापना दिवस, तो ये अभी सेल्फी ले रहे हैं। तो सामने पर भी चल रहा है फ़ोटो शूट, अभी आपने देखा होगा डांस इन लोगों का, तो ये देखिए यहाँ पर डांस कर रहे थे। तो थोड़ी देर में अभी यहाँ पर खाली हो चुका है, मैम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा। तो ये देखिए अभी सेल्फी ले रहे हैं भाई, यहाँ पर
स्टॉल लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो क्या क्या बेच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को उनसे ही बात करवाता हूँ। चलिए फिर चलते हैं। ये दोस्तों मैम यहाँ पर एक स्टॉल खोल रखा है जिसमें कि गर्मा गर्म सूट कपड़े मतलब गर्मा गर्म स्वाटर और टोपी मिल रहे हैं। ये देखिए ये मैम बेच रहे हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर चल रहे हैं भैया बेच रहे हैं पानी पूरी, और आप लोग देख सकते हैं ये है पानी पूरी और यहाँ पर पानी पूरी खा रहे हैं। ये देखिए तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर बेच रहे हैं रिंग, बेच रहे हैं रिंग नहीं झुमके बना रखे हैं इन्होंने, खुद से बना रखे हैं जो कि कान के झुमके बना रखे हैं और छोटे छोटे बैग्स बना रखे हैं। ये देखिए और आप देख सकते हैं ये हैं स्टॉल बेचने वाले, इंटरव्यू लेने तो इंटरव्यू लो इनका। तो ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बैग्स बना रखे हैं बेचने के लिए। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? मास कॉमर्स से। क्या बेच रहे हो आप? स्टॉल। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ये देखिए यहाँ पर ये फोटो बना रखी है सामने पे और ये बेच रहे हैं सामने पे। तो अभी हम आए हैं तीसरे स्टॉल पे, तो यहाँ पर फूल बेच रहे हैं। किस डिपार्टमेंट से? किस डिपार्टमेंट से? हाँ जी। कितने दिन में हो गए ये? हाँ जी हाँ जी, ठीक। दो महीने पहले मेहनत कर रहे हैं ये लोग। गेम है? कौन कौन से गेम है? ये देखिए गेम्स यहाँ पर, ये सब देखिए वाले बोतल वाले गेम है। बाकी गेम जो है यहाँ पर, तो ये मैम आपको गेम्स खिलाएगी यहाँ पर देखिए। और ये यहाँ पर है गेम्स मिलने वाले हमारे थर्टी रुपये सच्ची मुच्ची? नहीं नहीं, बोतल देखो ना, बोतल क्या है? ये आँख बंद करके करना है क्या? तो आप देख सकते हैं अब हम जाते हैं पांचवें स्टॉल में। यहाँ पर तो भाई काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो रही है। ये देखिए यहाँ पर तो ये बना रखे हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ छोले बना के बेच रहे हैं, शायद बाहर का कुछ है टेस्ट इसमें। ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए कुछ नई डिश लग रही है आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं पहली बार देख रहा हूँ मैं ये डिश। ये मास कम्युनिकेशन के हैं शायद, आई थिंक चाय भी बेच रहे हैं ग्रीन टी। तो अब हम आए हैं पांचवें स्टॉल पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आईटी डिपार्टमेंट के बच्चे। हाँ भाई क्या बेच रहे हो? अरे ये देखिए ये मोमो बना रखे हैं भाई ने, देख सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर भी देखिए मास कम्युनिकेशन के भैया ने बना रहे हैं यहाँ पर रोटी और कुछ बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए अलग ही है, मतलब आप लोग देख ही सकते हैं क्या क्या बना रहे हैं, मतलब यार कुछ अलग ही टेस्ट लग रहा है, बाहर का है। आ जाओ यहाँ पर देख सकते हैं, एक और पीस का सामान लगा रखा है स्वीट। तो ये देखिए ये मैम ने लगा रखा है, बस ऐसे ही लेके चले जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बेच रहे हैं दीदी लोग कॉफ़ी बेच रहे हैं। तो भैया आप कौन से डिपार्टमेंट से? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आप क्या बेच रहे हो? कॉफ़ी? टी एंड कॉफ़ी। अच्छा टी एंड कॉफ़ी बेच रहे हैं भैया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इन्होंने स्टॉल लगा रखी है छोटी सी। ये चाय अभी यहाँ पर चाय होती है आप देख सकते हैं इसमें, और ये अदरक उदरक आप देख सकते हैं ये भैया लोगों ने। यहाँ पर हम आए हैं सातवें आठवें नंबर के स्टॉल के साथ, यहाँ पर देखिए मेहंदी का डिज़ाइन लगाया जा रहा है, वो देख सकते हैं यहाँ पर आप मेहंदी लगा सकते हैं, ये है मेहंदी का डिज़ाइन। तो भैया यहाँ पर लगवा रहे हैं, बाकी यहाँ पर भी मैम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। आठवीं नौवें स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पर देखिए भैया लोग ये कुछ बना रखें, क्या है राउटेन, ये गुलगुले गुलगुले राउटेन, ये कुछ बना रखें, ये पकौड़ी बना रखे हैं। भैया आप कौन से डिपार्टमेंट से? अच्छा होटल मैनेजमेंट, सही है। ये देखिए आकाश भाई आप देख सकते हैं होटल मैनेजमेंट के हैं, तो इन्होंने ये चटनी चुटनी पकौड़े बना रखे हैं, आप देख सकते हैं बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर नौवें डिपार्टमेंट मतलब नौवें बीजीएमसी डिपार्टमेंट से, आप लिट्टी चौका बेच रहे हो? अच्छा भैया लिट्टी चौका बेच रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया है।
और यहाँ पर भी ये पापड़ी चाट बेच रहे हैं मैम। देखिए ये मैम हैं जो कि पापड़ी चाट बेच रहे हैं। आप लोग आराम से खा सकते हैं यहाँ पर बैठ के आराम से लेके। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया है आई थिंक। और अब आकाश भाई लग रहा है आज कॉलेज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट से आ रखे हैं वहाँ पर, सबने सबने अपना अपना स्टॉल लगा रखा है। हमने सारे स्टॉल वालों से पूछ लिया है कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से क्या बेच रहे हैं, तो सबने देख लिया है। और अभी हम यहाँ पर घूम ही रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बच्चे आ रखे हैं। तो दिवाली के बहुत सब में खुशियाँ तो मनानी बनती है, क्यों आकाश भाई? दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, ऋषि भाई की ओर से भी, आकाश भाई की ओर से भी, छठ पूजा की हार्दिक राम राम भाई। तो ये देखिए भैया गेम खेल, यहाँ आकाश भाई गेम खेल रहे हैं कुछ। एक ये गेम है वहाँ से बलून से गिलास को यहाँ सारे डालने, ये सही है ऋषि भाई तुम कर सकते हो। चार गिलासें डाल दिए भाई, कितने में डाल दें ये? चार दिन चलते टाइम से लगा था, एक मिनट में वे तीन रह गए। आकाश भाई तुम तो उठा के डाल दोगे ऐसे ही भाई, एक दो दो रख सकते हैं ना, दो रख सकते हैं, एक मिनट वो तो हमें उठाना है, हमें तो उठाना है ना। या वहाँ पर टीका लगाने जा रहे हैं, तो इसमें टीका लगाना है, उसके बाद ये देखिए आप बिंदी लगानी है भाई, इसमें भी कुछ प्राइस है अभी खेलेंगे। देखिए उठा के हमें ये खेल लूँगा मैं, ये देखिए सामने पर उसके बाद मैं खेल लूँगा। तो भैया जीतने वाले हैं, दिख रहा इनको अरे थोड़ा बच गया थोड़ी सी। आप देखिए ऋषि भाई ये कप को यहाँ डालेंगे, एक कप 6 सेकंड में डाल देना, मतलब पूरे एक मिनट में पूरे ख़त्म करना है। तो आप देखिए कुछ ना कुछ देख रहे हैं ऋषि भाई, ट्राई कर रहे हैं। चलो भाई टाइम स्टार्ट हो चुका है, ऋषि भाई इधर फेंकना, इधर फेंकना, इधर फेंकना ऋषि, शाबाश दो फेंक दिए, हो जाएगा आराम से आराम से, ऋषि भाई शाबाश, तीन चार हो जाएगा, 17 हो गया जल्दी, 17 हो गया बस, खतरा आ गया, खतरा 22, बस 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 ऋषि भाई, ऋषि भाई, ऋषि भाई अभी बहुत टाइम है, आधा घंटा है, भागो भागो भागो, अरे आधा घंटा है बस बस, अरे एक रह गया, एक रह। तो उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन जी यूनिवर्सिटी अटल ने एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा है जिसका वो मोटो है कल्चर डाइमेंसिटी। सो यहाँ पे देख सकते हो इन भाई का चित्रकारी, तो ये बना रहे हैं एक बूढ़ी औरत को, और यहाँ पे उत्तराखंड का नक्शा है और उसके अंदर बन रहे हैं घर। नाइस भाई अच्छा बना रहे हो। और यहाँ पे शायद भारत का झंडा पर विद पिकॉक्स, और यहाँ पे देख सकते हो 4-5 टीमें हैं, तो सबसे अच्छी टीम गिर जाएगा ना योगेश की, देख लेना ढंग से करना। अभी कुछ लगो तो सही दिहाड़ी में, तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर ड्राइंग कर रहे थे, तो देखिए ऋषि भाई हैं मेरे साथ और यहाँ पर हैं आकाश भाई, बाकी वहाँ पर अलीशान भाई भी हैं। तो यहाँ पर आकाश भाई बैठे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको हमने क्या बनाए हैं आज के दिन में। ये जो बना रखा है ये पूरा ऋषि ने बना रखा है, और ये देखिए ऋषि की यहाँ पर खुशी भी है, और ये देखिए ऋषि ने कुछ बना रखा है हमारा प्यारा उत्तराखंड, ठीक है। और ये हम लोगों ने बनाया था, आकाश भाई मैंने, अलीशान ने, बाकी आकाश ने ये बना रखा है।
और ये देखिए सामने पर डिज़ाइन करने वाले, ये आकाश को देख सकते हैं आप, अभी एक्सप्लेन करने जाएंगे आकाश, तो ये तो देखते हैं। वैसे तो हमने ऐसे ही बनाया लास्ट के 20 मिनट में बनाया। तो आकाश भाई कैसे लग रहा है बना के? अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत करी। हाँ तो मैं कलर लग गया। एक्सप्लेन करोगे ना? एक्सप्लेन एलिशान करेंगे। हाँ ये देखिए ये सामने पर अभी फोटो शूट कर रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करना है इसके बारे में, हमने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। तो चलो फिर देखते हैं क्या क्या होता है आगे की ओर।